भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को श्री राधा अष्टमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ प्राप्त करिए और श्री राधा रानी की कृपा को भी आप प्राप्त करें। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। श्री किशोरी जी, राधा रानी की आपके और आपके जीवन पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे और आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषम। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा श्री किशोरी जू राधा रानी का प्रागट्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पहले ही हो चुका था। इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 10 सितंबर 2024 मंगलवार की रात को 11:12 से हो जाएगा, जो कि 11 सितंबर 2024 बुधवार की रात को 11:47 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी मध्यान्ह व्यापिनी जो अष्टमी तिथि रहेगी वो 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। अतः सभी भक्तजन, माताएं बहनें जो राधाष्टमी का व्रत रखते हैं या राधाष्टमी का पूजन अर्चन करते हैं, उनको 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन ही राधाष्टमी का व्रत रखना है और राधाष्टमी का पूजन अर्चन करना है। धर्म शास्त्रों के अनुसार वृषभानु जी जब सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर में स्नान करने गए थे, उसी समय श्री राधा जी कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत रख करके श्री राधा रानी का किशोरी जी का पूजन अर्चन करके उनका प्रागट्य उत्सव अवतरण दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव के 15 दिनों के बाद राधा रानी का प्रागट्य उत्सव आता है। हालांकि राधा रानी का जो प्रागट्य हुआ था वो 1 वर्ष पूर्व ही हो चुका था, इसलिए इस दिन को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में, राधाष्टमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के जन्मोत्सव पर उनके भक्त इस दिन जन्माष्टमी की तरह व्रत रखते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना तथा सेवा पूजा करते हैं। सभी को राधाष्टमी का महापर्व मनाना चाहिए। इस बार 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन श्री राधाष्टमी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाएगा। इस दिन लोग मंगल कामना के लिए व्रत करते हैं और पूरे विधि विधान से व्रत करने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, घर में खुशियों का वास होगा। राधाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों के लिए यह दिन बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं, व्रत करते हैं तथा पूजन अर्चन करते हैं। राधाष्टमी के दिन वैसे तो आप पूरे दिन पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में यदि आप पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन दोपहर 11:01 से लेकर के दोपहर 1:26 तक पूजन का सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। 10 सितंबर 2024 मंगलवार को रात्रि 11:12 से अष्टमी तिथि का आरंभ होगा और 11 सितंबर 2024 बुधवार की रात को 11:47 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस समय आप श्री राधे जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं और इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि राधा जी को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। पीला भोजन उनको बहुत अधिक प्रिय है।
पीले रंग की जो पुष्प होते हैं या पीले रंग की जो भी वस्तुएं होती है वो राधा रानी को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन पूजा में पीला कपड़ा बिछा करके श्री राधे कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। श्री राधे जी को पीले रंग के पुष्प जरूर चढ़ाएं। हो सके तो पीले रंग का भोग प्रसाद स्वयं अपने घर में तैयार करें और राधा अष्टमी का व्रत एक समय धारण करके शाम को आप भोजन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो पीले रंग का फलाहार लेकर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा भी आप कर सकते हैं। वैसे राधा रानी का व्रत एक समय का किया जाता है और शाम के समय इसमें आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप मानी गई है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कई लोगों ने श्री राधा रानी के बारे में विसंगतियां फैला रखी थी। आप उनको ध्यान न दे करके राधा को ही कृष्ण माने और कृष्ण को ही राधा मान करके राधा अष्टमी का महापर्व अवश्य मनाएं। राधा अष्टमी की व्रत कथा जो धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है वो इस प्रकार है। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। तब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा कुपित हो गई। राधा जी को इस प्रकार से कुपित देख करके विरजा वहां से नदी के रूप में निकल गई। भगवान श्री कृष्ण को बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के जो मित्र थे जिनका नाम था श्रीदामा, उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी ने इस बात पर क्रोधित होकर श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से श्रीदामा शंखचूर नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया जो आगे जाकर के भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ। श्रीदामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें वह 8 सिद्धियां प्राप्त थी। श्रीमान धनी उदार चित्त थे। वे संयमी कुली सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता थी। श्री राधा जी वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। उनकी कोख से उन्होंने जन्म नहीं लिया। जब राधा जी और श्रीदामा एक दूसरे को श्राप दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले कि आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती तो हुई किंतु योग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की थी और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव की पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां पर प्रकट हो गई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई थी वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। राधा अष्टमी का दिन था। उसी दिन राधा जी प्रकट हुई इसलिए इस अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। श्री किशोरी जू राधा रानी के जन्म के संबंध में अनेक कथाएं शास्त्रों में आती है लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 5200 से अधिक वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अनुराधा नक्षत्र में मध्यान्ह काल में सोमवार के दिन पिता वृषभानु एवं माता कीर्तिदा की पुत्री के रूप में श्री किशोरी जू राधा रानी ने जन्म लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पिता महाराज वृषभानु जी वृंदावन में ही वृषभानुपुर को बसाया यानी गांव को बसाया जिसे आज बरसाना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यही बरसाना धाम राधा जी की गृह भूमि है।
यही वह पवित्र भूमि है जहां श्री राधा जी ब्रज की अधीश्वरी के रूप में पूजी जाती है। श्री राधा रानी के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि राधा जी के जन्म के समय राधा रानी अपनी माँ के पेट से नहीं जन्मी थी, बल्कि प्रकट हुई थी। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उसी प्रकार राधा रानी भी वहां पर प्रकट हुई थी। गर्भ में केवल वायु को ही उनकी माँ ने धारण किया था। इस प्रकार राधा रानी का प्रागट्य भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। स्वेच्छा से राधा रानी का प्रागट्य हुआ। श्री राधा रानी जी कलिंद जावर्ती कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। जिस समय श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ, उस समय संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो उठी। तब महाराज वृषभानु और महारानी कीर्तिदा ने अपनी पुत्री राधिका जी के कल्याण की कामना से 200,000 उत्तम गौदान ब्राह्मण को किया था। राधिका जी के प्रागट्य की दूसरी कथा इस प्रकार है कि जब वृषभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका सुंदर कमल पुष्प पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। तब राधिका जी का अभिषेक किया गया। जिस समय श्री राधिका जी का अभिषेक किया गया, उस समय सभी देवी देवताओं ने वहां पुष्प वर्षा की और राधा जी को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन स्वर्ण के सिंहासन पर आसीत करते समय सभी देवताओं के मन में विचार आया कि राधा रानी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी देवी है, फिर उन्हें केवल 16 कोस में फैले वृंदावन का ही आधिपत्य सौंपने की क्या आवश्यकता है। तब काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि वैकुंठ से भी कई गुना अधिक महत्व तो मथुरा का होगा और मथुरा से भी कहीं अधिक महत्व वृंदावन का होगा। श्री राधिका जी आयु में भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी की और कीर्तिदा देवी की ये बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्रागट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली है। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात जब नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले कृष्ण जी को वृषभानु जी के घर लेकर आई, तब वृषभानु जी और कीर्तिदा जी ने उनका स्वागत किया। तब यशोदा जी कान्हा जी को गोद में लिए राधा जी के पास आती है और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती है और अपने प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वो एक टक 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 भगवान कृष्ण को निहारती है, देखती ही रहती है और अपनी प्राण प्रिया राधिका जी को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अत्यधिक आनंदित होते हैं। एक बार जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि हमारे साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा कि मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो सदा आपके पीछे ही रहूंगी। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप राधा अष्टमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या दक्षिणा दान देना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके श्री राधा अष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।